told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. Assalamu alaikum ji, welcome back to the another episode of Faisla Bar to Skardu Travel. और आज 26th of December है और हम लोग इस टाइम दासू में मौजूद हैं, क्योंकि जो रात का हमारा था कोर्ट से दासू का, तो बहुत एक ज़रा चैलेंजिंग सी ड्राइव थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड देयर सेफली, हम पहुँचे थे। और आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, ये लोग ये दासू का व्यू है पीछे मेरे, यहाँ पे दरिया बादशाह गुजर रहा है, जहाँ पे ऊपर डैम भी बन रहा है और दासू और बादशाह डैम, और यहाँ से हम लोग अपना सफ़र शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज हम गिलगित जाके रीच करेंगे। टी टाइम शुरू हो चुका है सफर से पहले ही, खाना पीना सबसे पहले, स्टॉप सबसे पहले और दासू प्लेस। अच्छा जी, सफ़र हमारे यहाँ से शुरू हो चुका है दासू से, और मेरे साथ हुसैन है मेरी गाड़ी का कंपेनियन, और उसके बाद यहाँ पे हमने रात को स्टे किया था, एक ये अच्छा मुनासिब और सस्ता सा होटल था, और इसके चार्जेस हम लोगों ने यहाँ पे 2000 पे किए एक रात के, 2000 चाय इनकी बहुत अच्छी थी, तो अब यहाँ से निकले हैं तो सस्ती भी और अच्छी भी थी। और अब यहाँ से हम लोग दासू डैम वाला एरिया क्रॉस करेंगे, जो कि बड़ा यार एक ना गंदी वाइब्स देता है। अभी यहाँ पे हम लोगों को रुकना इसलिए पड़ता है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं डैम की, तो यहाँ पर हर कुछ ना कुछ 5-10-20 किलोमीटर पर बॉम्बिंग्स चलती हैं, या वो जब वो पत्थर उठाते हैं जैसे एक स्टॉप जरूरी बन जाता है, तो अभी यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ इसी वजह से रुकी पड़ी हैं सारी। ये देखें जनाब, रेस्ट होगा, वेट होगा, उसके बाद देन इंशाल्लाह ताला आगे निकल। स्कूल जाते हो कि नहीं जाते? कौन सी क्लास में? ओ वाह जी वाह। और तुम नहीं जाता? आई विश के जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर चले जाए, जो हम अपनी आंखों से खूबसूरत दे सकते हैं ना, हमको कैमरे से भी दिखा सकें, तो आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये पानी का कलर चेक करें, ये देखें सर, चुप करके बह गई दिशा मुड़ बैठोला तेरी लोड़ी। काइंड ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट, और ये है यहाँ पर जी चलास के कुछ पास बहुत सारे पॉइंट्स छोटे छोटे आते हैं, जो आप लोग अपने लिए पॉइंट्स बना सकते हैं, तो हमने इसको भी अपने तरफ से कोल्ड डेजर्ट बनाया, और आप लोगों ने जैन का और तुकी का डांस भी देखा होगा बाकी अच्छा पॉइंट है जनाब, ये भी अभी सारे पिक्चर वगैरह, और ये वाइट सैंड है यहाँ पर सारी, जो कि स्कर्दू वाला ही जनरेशन वाली सैंड चलती है। जस्ट क्रॉस चिलास, और ये चिलास से कुछ थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो क्राकरम हाईवे पे, मतलब गिलगित के से तकरीबन 80 किलोमीटर्स के ऊपर ना, आपको यहाँ पे कोई फूड पॉइंट्स मिल जाते हैं,
جس میں دو تین ریسٹورینٹس ہیں, تو ہم لوگوں نے بریکفاسٹ کیا تھا تو سوچا اپنے ناشتہ کرتے ہیں, تو آپ کو وزٹ کرتے ہیں. یہاں پر جی ہے یہ عمر شنواری ریسٹورینٹ, اور لیٹ سی کہ ان کا کیا مینیو ہے, کیا کچھ ہے. اچھا آرڈر دے دیا جناب ہم نے کھانے کا, جس کے اندر یہاں پہ کچھ چکن ملا اور قیمہ نہیں کھایا, بس قیمہ نہیں کھایا. اس کے بعد دال تھی یہاں پر ہمارے ساتھ, اور سبزی. ٹیسٹ دیکھتے ہیں, ٹیسٹ ویسے اگر میں پیچھے کی بات کروں جہاں پہ ہم نے رات کھانا کھایا تھا, ابھی شام میں تھا گوڑ میں, وہ اچھا کھانا تھا, تو ابھی کھانا آتا ہے تو آپ وہ بھی چیک آؤٹ کرواتے ہیں. کھانا آ چکا ہے جی, روٹی اور نان کی طرح, لیکن ان کو روٹی کہتے ہیں. خیر جو بھی ہے ماشاء اللہ اچھا ہے. چکن کا پیس ہے ہمارے پاس, سبزی ہے اور یہ دال سبزی اور یہ بندے. کیسا لگا جی ٹیسٹ؟ بہترین ہے. کمپرومائزنگ ہے یا ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں اچھا ہے, یہاں پر آ کے. ایک تو میں کہنا چاہوں گا ایکسپیکٹیشن کبھی بھی ہائی نہ رکھیں, کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ فوڈ زیادہ ان کا ایشو, ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, اور یہاں پہ لوگ مسالے بھی کم ہی کھاتے ہیں, لیکن کھانا اچھا ہے جو میں نے رکھایا تھا, ابھی بھی کھاتے ہیں. آپ کو اس کا بھی انشاءاللہ پھر ریویو. اچھا عمر, ایز اے ڈرائیور آلٹو کی ڈرائیو ایکسپیرینس کیسا رہا؟ داسو سے چلاس کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ ڈرائیور کی دیکھی جائے تو اس کی جو فرنٹ سیٹس ہیں تھوڑی سی کمفرٹیبل ہے پسنجر کے لحاظ سے. اچھا, پسنجر کی بیک والی سیٹ اتنی خاص نہیں ہے, لائک پھٹا سا ہی ہے وہ. اور تقیر, آپ کا پسنجر کے ساتھ کیسا رہا ایکسپیرینس؟ اس کا نا جو لیگ اسپیس ہے ٹھیک ہے, میں نے کنڈر سے بھی زیادہ بہتر سمجھا, کیونکہ وہ آلٹو کا, ہاں فرنٹ والا, فرنٹ سیٹوں کا, فرنٹ اور پیچھے کا بھی. لیکن یہ کہ آگے والی سیٹ واقعی کمفرٹیبل ہے, لیکن اگر بد دعا دینی ہو تو پیچھے بٹھا دیں. رات کو مجھے بھی میرے گناہوں کی سزا ملی تھی, تو میں بھی پیچھے بیٹھا تھا, پھر زین بھائی نے قربانی دی. اب میں کلٹس والے سے پوچھتا ہوں, آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا جو کلٹس میں آئے میرے ساتھ؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہے, اوکے رہا, چلیں ویری گڈ. دو گاڑیاں تھیں ہمارے پاس, تو جو آپ کو میں نے ارلی بتایا تھا, میں کلٹس ڈرائیو کر رہا تھا موسٹلی. آلٹو میں نے کچھ ٹائم پیریڈ میں کی تھی, رات کے ٹائم جب ہم چلاس کراسنگ کر رہے تھے, داسو کراسنگ کر رہے تھے ہم لوگ جب بھی شام ویلی سے, تو کمفرٹ لیول چھوٹی گاڑی چھوٹا ہوگا, لیکن ویسے گاڑی نے چڑھائی پہ اترائی پہ بریکنگ پہ بھی تنگ نہیں کیا. تتا پانی کراس کر رہے ہیں جو کہ آتا ہے جناب آپ کے چلاس سے اگلا پوائنٹ بنتا ہے تقریباً, اور گلگت کے بھی قریب قریب ہیں. تو ادھر کی جو روڈ کنڈیشن ہیں وہ سب سے زیادہ خراب ہیں, اور میں لاسٹ ٹور پہ تھا تب بھی یہی سچویشن تھی, باقی اوور آل روڈ سارا بہترین ہے, لیکن یہاں کا جو روڈ ہے وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے, بالکل ٹوٹا ہوا. اچھا جناب, یہ تتا پانی کا فرسٹ ٹائم میرا بھی ایکسپیرینس ہے, لاسٹ ٹائم بھی گزر گیا تھا, تو پانی آپ کو دکھاتا ہوں, آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے بھاپ نہیں کری, اسٹیم نہیں کری تھی, اتنا ہی گرم ہے تاکہ نہا سکتے. سبحان تیری قدرت, سیدھی سی بات یہ ہے, جہاں پر ٹمپریچر رات کے ٹائم مائنس بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جہاں پہ ابھی بھی ٹمپریچر 4-5 چل رہا ہو, اور وہاں پہ اس طرح کے چشمے لگے ہوں جہاں سے پانی گرم آ رہا ہو, تو آپ اور کیا چاہتے ہو؟ ادھر تو وہ آیت ہی رکھتی ہے نا کہ فبیلا ربی کو مت غزیبان, کون سی نعمت کو آپ جھٹلانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ویوز ہیں یہاں پہ, اب اگر شاید کم نظر آ رہے ہوں تو کوکٹیل ہے یہاں پہ سارا. آپ کو ایک سائڈ پر بالکل اسٹون ماؤنٹینس نظر آتے ہیں, دوسری سائڈ پر آپ کو اسفالٹ ماؤنٹین نظر آتے ہیں, اور آپ کے یہاں پر مڈ ماؤنٹین نظر آتے ہیں, اور ہر چیز کی نوعیت اپنے کے ساتھ ایک خوبصورت اور دلکشی ہیں. اب آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں جو کہ ان پہاڑوں میں جان ڈال رہی ہے نا, وہ یہ ریور ہے جو بادشاہ ڈیم جو یہاں سے ریور گزر ہے. ان پہاڑوں کی جو ویلیو ہی جو کرتی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے, اگر یہ یہاں پر نہ ہونا تو میرا خیال ہے یہ ون آف دا بورنگ روٹ ہوگا پورے اس ایریا کا. اچھا جی, تو جی یہ تھا نانگا پربت ویو پوائنٹ, اور گلگت سے جگلوٹ سے تھوڑا سا قریب,
और अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग वो रायकोट ढूंढसा यहाँ पर जंक्शन आता है स्कर्दू वाला चिलम चौंकी वाला वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं स्टोर वैली वाला और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड टू हुंजा और ये हमारे कुछ दोस्त हैं लाहौर के इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये भी भाई, एवरीवन इज फाइन है। और उसके बाद आपको मैं अगर व्यू चेक करवाता जाऊँ तो यहाँ से आपकी लेफ्ट से जो नांगा पर्वत स्टार्ट होता है तो ये सारा रीजन अब आपको शायद बादल की वजह से नजर आना, ये सारा रीजन यहाँ पे नांगा पर्वत का शुरू होता है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जहाँ पे आपको सामने ऊपर बाल नजर आ रहे हैं सारा यहाँ पर आपको नांगा पर्वत का व्यू पॉइंट है। अच्छा तो जो ये पॉइंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वर्ल्ड हाईएस्ट थ्री माउंटेन रेंज जंक्शन है। यहाँ पर तीन माउंटेन रेंजेस जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट है ना वो यहाँ पर मिलती हैं जो जिसके अंदर आई थिंक K2 क्रॉक्रम और उसके बाद यहाँ पर रेंज उसकी हिमालया रेंज आती है। तो आप पीछे जो व्यू देख रहे हैं माशाल्लाह ये और उसके बाद यहाँ का मैं कहना चाहूँगा GP की जो उनसे यहाँ की हुकूमत है उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत एक पॉइंट बना दिया है कि आप यहाँ पर खड़े होकर तीनों जंक्शन को माउंटेन रेंज को देख सकते हैं। जैसे एक साइड पे आपके K2 की रेंजेस हैं, एक साइड पे आपके यहाँ पे हिमालय और क्रॉक्रम की मिल जाती है। उसके बाद जो पानी नीचे से गुजरता है ये इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा चार चांद और यहाँ पे प्लस एडिट कर देता है। हुंजा और गिलगित जंक्शन के पास हैं जो कि रोड टर्न करेगा हुंजा के लिए और गिलगित के लिए और यहाँ पे गाड़ी को रीफ्यूल भी करवाना था तो वो भी कहा कि यहाँ पे गाड़ी को रीफ्यूल्स करवा लेते हैं और आगे इंशाल्लाह हुंजा की तरफ निकलते हैं। गिलगित में इस टाइम जो टेम्परेचर चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 सेंटीग्रेड और आगे हुंजा का चेक करते हैं कि क्या बन। जगलोड में इस टाइम मौजूद हूँ और यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो इस टाइम यहाँ पे 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है और ये फ्रीजिंग ठंड जैसा टेम्परेचर है। और ये जगलोड का एक बाज़ार है जहाँ पर हूँ और जहाँ से हम लोग अभी निकल कर आए हैं, गुजरते गए हैं और आगे हमने गाड़ी रोकी। अगर आपको मैं सामने एक व्यू दिखाऊँ तो वो सामने व्यू चेक कर सकते हैं, वो पहाड़ के ऊपर सारी बर्फबारी और उसके ऊपर भी स्नोफॉल है और यहाँ पर इनका भी कहना है कि यहाँ पर भी माइनस टेम्परेचर और डेफिनेटली यहाँ पर माइनस टेम्परेचर होगा। और ये इनका एक बाज़ार है मेन, आपको ये शॉप यहाँ पे छोटी छोटी और ये रौनक वाली बाजार हैं दुकानें और चेक कराते हैं ये भी देखें। इसके बाद ये सारा हुंजा की तरफ रोड जाते हुए आपको यहाँ पर कपड़े भी नज़र आ रहे होंगे बच्चों के और उसके बाद पॉपकॉर्न्स भी हैं यहाँ पर हर चीज़ आप यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं और ये खूबसूरत और ये रशी बाज़ार है हुंजा से पहले जो इलाके आते हैं उनके अंदर। अभी यहाँ पर सीज़न आउट है लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक है और यहाँ पे लोकल्स तो माशाल्लाह इनसे भी गाड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं। क्या बताऊँ आपको, गाड़ियों का काम करता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि लाखों वाली गाड़ियाँ जो बहुत महंगी हमारे पंजाब में ना यहाँ पे वो चंद लाखों में एंजॉय करते हैं और ये सारा बाज़ार की रौनक है। क्रीमाबाद बाज़ार में इस टाइम मौजूद हैं हम सारे दोस्त
और अब आपको क्रीमाबाद बाज़ार का एक वॉक थ्रू देते हैं कि कैसा है और क्या कुछ यहाँ पे कल्चराइज चीज़ें हैं यहाँ पर सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव फाइनली रीच्ड हुंजा वैली और ये हुंजा का क्रीमाबाद बाजार है और सफर बड़ा मजेदार रहा। रास्ते में आप लोग देख ही रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पे और ये अब शुरू हुई क्योंकि मैं तकरीबन 6 महीने पहले आया था तो अब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हुंजा कुछ रूट में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी है और उसके बाद रात का हुंजा का बाजार क्रीमाबाद और आई थिंक यहाँ पे चांद ही फिर रहे होंगे टूरिस्ट में, कुछ हम लोग हैं कुछ और हमारे यहाँ पे दोस्त होंगे। तो उसके बाद ये आज का जो हमारा एपिसोड था हम इसको यहाँ पे एंड ऑफ करेंगे क्योंकि सुबह से ड्राइव करते करते अब हमारी भी बस हो चुकी है और जो कंप्लीट वीडियो में बहुत मेहनत हुई है, काइंडली इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अब आपको क्रीमाबाद बाजार के शॉर्ट्स भी चेकआउट करवाते हैं और आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया।